ओम शांति। भगवान उवाच, एक दिन आएगा तुम सभी को देखने वालों को तुम्हारा दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा, साधारण स्वरूप नहीं। तो आइए हम सभी अपने स्वरूप को दिव्य अर्थात साक्षात्कार मूर्त बनाए, ताकि हमें देखते ही वो अपने को देखने लगे, हमें देखते ही उन्हें अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आ जाए, हमें देखते ही उन्हें भी प्रभु मिलन का भाव जग जाए, जैसे वो हमें देखें उन्हें भी अपने श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इसे ही बाबा कहते हैं, चेहरे और चलन से सेवा करो। अब भी ये सेवा होती है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे योग युक्त रहते हैं, जो बहुत पवित्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत परिवर्तित कर दिया है, अनेक लोग उनके पीछे पीछे आकर ज्ञान मार्ग पर चलने लगते हैं। कितना बड़ा पुण्य होता है कि वो अनेकों को भगवान से मिलाने के आधार बन जाते हैं। हमें अपने को दिव्य मूर्त बनाना है, साक्षात्कार मूर्त बनाना है, तो क्या याद रखेंगे? जो साक्षी दृष्टा होंगे वही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, जो साक्षात बाप समान होंगे वही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। दो चीजें हैं, जो बाबा जैसे बन जाएंगे उनका ही संसार में दूसरों को साक्षात्कार होगा। और बाबा ने अपनी दो बहुत अच्छी बातें कही हैं। यूं तो बाबा में अनंत गुण और शक्तियां हैं, ब्रह्मा बाबा में भी और शिव बाबा में भी, परंतु कहा है यदि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो जैसे मैं संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो और सकास दो। तो संसार की आत्माओं को सकास देना और खेल को साक्षी होके देखना, अपने पाठ को भी साक्षी होके देखना और इस संसार में हर आत्मा के पाठ को भी साक्षी होके निहारना, ये बहुत अच्छी स्थिति है अपने को दिव्य मूर्त बनाने के लिए। साथ साथ जिसे भी हम देखें उसे आत्मिक भाव से देखें, उसे शुभ भावनाओं से देखें, उसे कल्याण की भावना से देखें, उसे इस दृष्टि से देखें कि ये भी देव कुल की महान आत्मा है। इससे हमारे नैनों में, हमारी दृष्टि में बहुत अलौकिकता रहेगी और जो भी हमें देखेगा उन्हें आभास होगा कि इनका देखना आम मनुष्यों के देखने की तरह नहीं है। साथ साथ हमारे जीवन में योग की शक्ति बहुत हो, हमारा ललाट योग शक्ति से चमकता हो तो दूसरों को विशेष आकर्षण होगा। आइए हम सभी स्वयं को ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में ले चलें जो कोई भी हमें देखे तो उसे हम कलियुगी मनुष्य नहीं सतयुगी देवता नजर आए, देव पुरुष नजर आए, हमारे अंदर उन्हें दिव्यता नजर आए। प्रैक्टिकल में इसके लिए हमारे बोल में बहुत सौम्यता हो, बहुत रॉयल्टी हो, हमारा व्यवहार बहुत ही मधुर हो, दूसरों को आकर्षित करने वाला हो, हमारे नैन आत्मिक हों, शुभ भावनाओं से भरे हुए हों, हमारे चित्त ने चैन पा लिया हो, जैसे कि संसार की सभी चिंताएं हमने प्रभु अर्पण कर दी हैं, वो सब समाप्त हो गई हैं। इन स्थितियों का ध्यान रखते हुए आज सारा दिन अभ्यास करेंगे सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का और स्वयं को इस स्वमान में रखेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ,
इष्ट देव देवी हूँ और साथ में मेरे ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है। ओम शांति।